अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हर घर का एक ही मसला कि आज क्या पकाएं, आज क्या खाएं, और जब कुछ समझ नहीं आता तो बाहर से टेकअवे कर ले या बाहर जाके खाना खाएं। लेकिन आज हमने सोचा कि इससे भी कुछ डिफरेंट करते हैं कि आज मैं पकाने से छुट्टी ही करती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड घर हैं तो वही पकाएं और वही हमें पका के खिलाएं। सो आज उन्होंने कहा वो अपनी पसंद का पकाएंगे। सो उन्होंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए तो वो बनाने लग गए खाना। सो आप गेस करें कि क्या बन रहा है। सो आज बन रहा है टकाटक। तो आप नोट कर लें इंग्रेडिएंट्स। ये हार्ट और किडनी को उन्होंने चॉप कर लिया चॉपिंग बोर्ड पे, और ये लैम चॉप्स हैं, और ये है ब्रेन, ये भी लैम का ब्रेन है, और लैम मींस ले लिया। ये कढ़ाई लेके, ये आयरन की हमारे पास कढ़ाई है जो पाकिस्तान से मैं लेके आई थी, इसको अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब इसमें जो तमाम कीमा किया था हमने अपने हाथ से वो डाल दिया है, और साथ ही चॉप्स डाल दिए हैं, और साथ ही हमने लैम मींस डाल दिया है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ब्रेन को हमने नहीं काटा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, ये पकते पकते ही इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये जो हमारे पास मींस था वो भी हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और इसमें साथ ही आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैं अभी फ्रेश फ्रेश बना रही हूँ वो इसमें ऐड करेंगे। ये अभी मैंने छील के और अभी इनको दिया है कि इसमें डालने के लिए, क्योंकि ये कह रहे थे फ्रेश डालेंगे इसमें। इसकी क्योंकि स्मेल होती है मींस की भी, और इनके जो गुर्दे हैं और हार्ट की, ये इसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। और फ्रेश जिंजर गार्लिक का तो आपको पता है टेस्टी बहुत ज़्यादा है। जिंजर गार्लिक हमने दो दफ़ा ऐड करना है, एक दफ़ा अभी भूनते हुए, दूसरी दफ़ा जब ये बिल्कुल रेडी होने वाला होगा उससे 5-7 मिनट पहले। सो इस तरह जब ये अपने ही पानी में देखें ये पक रहा है, कितना सारा पानी छोड़ दिया इसने। उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसको सौते कर लिया अच्छे से, तो इसमें जो फ्रेश टमाटर हैं वो डालने हैं, उनका छिलका उतार दिया है, और इसके साथ ही आपने ग्रीन चिली डाल देनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमने यहाँ पे 3 ग्रीन चिली ली हैं बड़े साइज़ की। कुछ देर भूनने के बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया, और जी हाँ इसमें हमने ब्लैक पेपर भी ऐड की है। ये सब कुछ आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। इस सब का कलर देखें कि भून के कलर कितना खूबसूरत हो गया है इसका, बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया है, और इसका अपना ही पानी है टमाटरों का अभी तक जो हमने इसमें डाला है, और हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद इसमें हमने अगेन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है फ्रेश, और उसके बाद हमने ऑयल शामिल कर दिया है। इसके साथ हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, और इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया है टेस्ट के लिए। तो योगर्ट डाल के हम इसको अगेन, योगर्ट का जो पानी निकलेगा उसी में इसको भूनेंगे। इसके आपके सामने इसमें कोई और पानी ऐड नहीं किया, ये इसका अपना पहले मीट का अपना पानी था, उसके बाद टमाटरों का, और अब जो है योगर्ट का। ये लो जी हमारा जो है टकाटक फाइनल स्टेजेस पे है, और ये माशाल्लाह रेडी हो गया है, इस रेडी टू ईट। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका टकाटक कैसा बना।